हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश लर्निंग में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं छुट्टी के लिए आवेदन पत्र कैसे लिखते हैं। सबसे पहले हम ये पत्र किनको दे रहे हैं वो लिखेंगे, स्कूल का नाम और पता लिखेंगे और यहाँ पर कॉमा जरूर लगाना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है सेवा में, उसके बाद कॉमा लगाया है श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय, यानी कि मैंने ये पत्र प्रिंसिपल को लिखा है, फिर कॉमा लगाया है, उसके बाद स्कूल का नाम सरस्वती विद्या मंदिर। कॉमा सिद्धार्थ नगर, ये स्कूल का पता है, उसके बाद फुल स्टॉप। उसके बाद हम विषय लिखेंगे, विषय यानी कि हम ये पत्र किस लिए लिख रहे हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है 2 दिन की छुट्टी के लिए आवेदन पत्र। फिर महोदय लिखकर कॉमा लगाएंगे और पत्र की सारी डिटेल लिखेंगे, जैसे कि हमें यह छुट्टी क्यों चाहिए और कब से लेकर कब तक चाहिए। मैंने यहाँ पर लिखा है साविनय निवेदन है कि मुझे 2 दिनों से बुखार है, डॉक्टर ने मुझे दवा दी है और आराम करने के लिए कहा है। इसी कारण मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे निवेदन है कि मुझे 20 जुलाई 2021 से 21 जुलाई 2021 तक 2 दिनों की छुट्टी देने की कृपा प्रदान करें। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। यहाँ पर पत्र की हमारी सारी डिटेल्स कंप्लीट होती हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़कर दाहिनी तरफ आप अपना नाम लिखेंगे, क्लास, रोल नंबर, डेट लिखेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है आपका आज्ञाकारी शिष्य, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। मैंने भी कॉमा लगाया है, राजू कुमार कक्षा यानी कि क्लास
क्लास के बाद कॉमा नहीं लगाएंगे। अनुक्रमांक यानी कि रोल नंबर, आप अपना रोल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर भी कॉमा नहीं लगाएंगे। उसके बाद दिनांक यानी कि डेट, आपने ये पत्र किस डेट को लिखा है। उसके बाद धन्यवाद लिखेंगे, यहाँ पर हमारा पत्र पूरी तरह से कम्प्लीट होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद